जिहड़े सैशन दे विच प्रोग्रेसिस दा रौला पिया जी, उस विच सरकार ने एक ना मन्नी जी कि देखो असी इस ते बहस पार्लीमेंट विच नहीं करनी, तुसी जो मर्जी कर लो। प्रोग्रेसिस एक जासूसी सॉफ्टवेयर है जी, जिहड़ा दुनिया भर दीआं जिहड़ीआं इलैक्ट्रॉनिक डिवाइसिस ने जिन्हां विचों खास तौर ते फोन है जो हर व्यक्ति दी हाथ विच है, जेब विच है, उसकी जसूसी करता है। इजराइल की कोशिश शुरू तो यो रही है कि किमें ना किमें अंतरराष्ट्रीय पद्धर से असी व्यक्तियों अपने नाल जोड़िए, सारे अपने वाल करन दा उन्होंने जिहड़ा तरीका एक लभ्या, उन्हां विचों एक तरीका ये पेगासस सॉफ्टवेयर सी। सैर की दोवां ने नंगे पैर रेता दे उपर, नरेंद्र मोदी ने ते इजराइल के प्रधानमंत्री ने जी, वो कहिंदे सैर इन्ने निघे वातावरण दे विच एवें नहीं होई, उसके पिछे 2 बिलियन का सौदा छुपया होया सी। ते एक अजिहा सॉफ्टवेयर जिस नाल नरेंद्र मोदी की भाजपा सरकार दूसरिआं ते पूरी नकेल कस के रख सकदी सी। अगस्त महीने का मानसून सैशन जदों सारे का सारा सैशन इजराइल की एक कंपनी के सॉफ्टवेयर पेगासस की भेंट चढ़ गया। पेगासस के बारे में कहा जाता कि NSO इजराइल की कंपनियां तो उन्होंने बनाया हुआ कोई सॉफ्टवेयर आ जिहड़ा कि वह कहिंदे, उन्होंने दावा सी कि वह सरकारां नूं ही वेचदे ने तां जो सरकारां जिहड़ियां ने उस सॉफ्टवेयर की वरतों देश की सुरक्षा लई कर सकन। ते इस सॉफ्टवेयर की भारत सरकार दे खरीदण की गल सी ते बहुत सारे लोगों के इहनूं वरतण की गल सी। इह मसला शांत हुंदा जापदा सी, अज फिर कोई इहदी नवीं खबर आ, उह की खबर आ ते की इह सारी घटनाक्रम है, इहदे ते चानणा पाओ जी। अमृत जी, गल इस तरह है कि भारत सरकार जिहड़ी है इन्नी मजबूत है जी, उह मैं इस पक्षों नहीं कह रहा कि कोई देश की आर्थिकता मजबूत है जां भारत की जिहड़ी विदेश नीति इन्नी मजबूत है जां कोई भारत दीआं सरहदां जिहड़ीआं इन्नीआं सुरक्षित ने। वो मजबूती इस तरह की है कि लोग सभा दे विच ते राज सभा दे विच विरोधी लभ्या नहीं इत्थे आउंदे जी, उन्हां नूं लभणा पैंदा है। ते कांग्रेस जिहड़ी मुख विरोधी धिर कदे बड़ी ठोकवीं हुंदी सी ते सरकार विच भी रही है, सानूं सारिआं नूं पता है जी, उन्हां कोल वो रुतबा भी प्रॉपर जिहड़ा पूर्ण तौर नाल हासिल नहीं। बिल्कुल, जिहड़े सैशन दे विच पेगासस दा रौला पिया जी, उस विच सरकार ने एक ना मन्नी जी कि देखो असी इस ते बहस पार्लीमेंट विच नहीं करनी, तुसी जो मर्जी कर लो जी। फिर कांग्रेस पार्टी नूं मुद्दा लभ गया कि चलो ये ना सही, जंतर मंत्र ते किसान बैठे हुए ने, उत्थे संसद लगी हुई है, उत्थे चलदे हां जी, उत्थे जाके कुछ रौला रप्पा पाउण दा यतन कीता पर लब्भा उत्थों भी कुछ नहीं। सरकार ने विरोधियों के पिड़ पले कख नहीं पैण दिता पेगासस के मामले विच जी। जिन्हां दर्शकों नूं नहीं पता उन्हां नूं दस दईए कि पेगासस एक जासूसी सॉफ्टवेयर है जी, जिहड़ा दुनिया भर दीआं जिहड़ीआं इलैक्ट्रॉनिक डिवाइसिस ने जिन्हां विचों खास तौर ते फोन है जो हर व्यक्ति दी हाथ विच है, जेब विच है, उसकी जसूसी करता है। बड़ा महंगा सॉफ्टवेयर है, इसकी कीमत भी उदों मार्केट दे विच आ गई सी, लखां डालर दे के ये लिया जाता है, फिर इंस्टॉल करन दे वक्खरे पैसे लए जांदे ने, अते किवें किसी दे बेगाने दे फोन दे विच इहनूं इंस्टॉल कर दिता जांदा है, उसनूं पता भी नहीं लगता, तो उसकी सारी जानकारी विच गलबात विच उसके मैसेज वो सब कुछ जिहड़ा है फिर उस खरीदण वाले दे पेगासस जिसने उसके फोन विच पाया हुंदा उसके कोल पहुँच जाता है जी। हुण गल करदे हां कि सरकार इस मामले ते चुप गुड़ बट्टी रही जी। देखो असीं इसकी जानकारी नहीं दे सकते, सरकार कहिंदी है बिल्कुल इह देश की सुरक्षा नाल जुड़िया होया मुद्दा है, ठीक है सुरक्षा नाल जुड़िया है, पर तुसीं इह तां दसो कि सॉफ्टवेयर लिया कि नहीं लिया जी, कदों लिया, किन्ने दा लिया, ते उस प्रति पारदर्शिता क्यों नहीं है। हुण सुरक्षा दे नाल जोड़ के विरोधियों नूं चुप करा देना, तां ते विरोधियों की गिणती इन्नी होनी ना कि वह तकड़े होकर कोई सवाल पूछ सकन जी। हुण गल करदे आं इजराइल की, इजराइल जिहड़ा है ये बिना शक नवां मुल्क है, यहूदियों का मुल्क है, तो आले दुआले के मुस्लिम देशों के नाल उन्हां दी कोई बहुती बनती नहीं, ये गल सारयां नूं पता, तो फलस्तीन के नाल उन्हां दा झगड़ा जिहड़ा है वह शुरू तो रहिंदा है
जी इजराइल की कोशिश शुरू तो यो रही है कि किवें ना किवें अंतरराष्ट्रीय पद्धर ते असी व्यक्तियों अपने नाल जोड़िए देशों अपने नाल जोड़िए अपने वल दे करिए फिर संयुक्त राष्ट्र दे विच अपनी गल मनीए ते मनवाइए ते सारे नू अपने वल करन दा उन्होंने जिहड़ा तरीका एक लभ्या उन्हां विचों एक तरीका ए पैगासस सॉफ्टवेयर सी कि लुड़ींदे मुल्कां नू ओह वेचो नाले ते पैसे वटो ते नाले उन्हां नाल यारी पाओ ते फिर बल्ले बल्ले फिर जो मर्जी होवे फिर सानू कोई रोक कौन सकता है जी। हुण ये रौला रप्पा भारत विच पै के हट गया सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि होनी चाहिए है कोई बहुत ही पेशकदमी इस मामले से हुई नहीं पहलकदमी की गई पर रुक गई है कोई खास नहीं हुई कुलदीप जी जे मैं गलत नहीं सॉरी मैं तुम्हें इंटरप्ट करता सुप्रीम कोर्ट ने सू मोटो लिया सी सरकार नू सद्या सी सरकार नू टाइम दिता सी पर सरकार ने बिल्कुल उत्थे भी ढीठताई दे नाल इहदी कोई भी जानकारी देने तो मना कर दिता सी जवाब उन्होंने यही दिता सी कि असी देश की सुरक्षा के मामले च थोनू भी कुछ नहीं दस सकते उस तो बाद भी चीफ जस्टिस ने कहा सी फिर असी कोई कमेटी बना दईए ते सरकार ने कहा सी बना दिओ तो उस तो बाद कुछ कुछ गल्लां इहो जिहियां भी होईयां सी कि सुप्रीम कोर्ट का भी जोर उस ते नहीं चलिया कमेटी हालांकि उन्होंने बनाउण दी गल कीती सी पर बाद विच कहा गया सी कि उन्होंने टैक्नीकल मार जिहड़े लभे नहीं पर बहुत वार असी देखदे हां कि मसले जिहड़े ने उह ठंडे बस्ते विच पै जांदे ने जी हुण ठंडे बस्ते विचों दुबारा बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा इस दा भी पक्का पता नहीं है जी। सरकार दा इक्को ही जवाब होवेगा कि देश की सुरक्षा का मसला बाहर असी डिस्कस नहीं करना किसी नाल जी हुण कीता किसने है डिस्कस ओ कीता है दुनिया की एक मशहूर अखबार है द न्यूयॉर्क टाइम्स। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने एक वड्डे सारे आर्टिकल दे विच उन्हां उन्हां देशों का जिक्र किया जिन्हां विच खुद अमरीका भी शामिल है पोलैंड वर्गे हंगरी वर्गे वो देश शामिल ने ते भारत शामिल है जिन्हां देशों के दे मनुखी अधिकारां दे रिकॉर्ड प्रति सवालिया चिन्ह कदे ना कोई लाउंदा रहिंदा है जी। हुण भारत बारे उन्होंने ये आख्या कि 2017 दे विच नरेंद्र मोदी ने यह उन्होंने सरकार ने यह 2 बिलियन दे विच 2 अरब डॉलर दे विच जिहड़ा सी वह सॉफ्टवेयर इजराइल कोलों खरीदिया हुण लगभग इन्नी रकम दसी गई है जो 10-12 हज़ार करोड़ बनती है इन्नी कोई रकम जिहड़ी है वह दसी गई है तो लई गई सॉफ्टवेयर लई गई तो नाल मिजाइल टेक्नोलॉजी खरीदी गई यह सॉफ्टवेयर वाकई खरीदया गया। एक मैं न्यूज वैबसाइट का मैं हैडिंग देख रहा है उन्होंने लिखा कि चौकीदार ही जासूस है यह उन्होंने लिखा सी हुण यह गल साबित हो गई है कि भारत सरकार ने यह सॉफ्टवेयर लिया पर किसते वरत्या कि अतवादी गतिविधियां करने वाले लोगों पर वरत्या ज अपने पर वरत्या अपने पर जिन्हें वरत्या उन्होंने तुम्हें पता है पंजाब के भी कई व्यक्ति आते हैं राहुल गांधी भी आता है ममता बैनर्जी भी आते हैं होर पता नहीं कि विरोधी धिर के लोग आते हैं जिन्हां ते निगरानी सरकार रखना चाहती सी ते इह सॉफ्टवेयर खरीदिया गया जी। हुण पहले प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी जिन्हां ने इजराइल विजिट किया ते बेनियामिन नेतन्याहू पहले इजराइल के प्रधानमंत्री बने जिहड़े थोड़े समय बाद ही इंडिया घूमण आ गए इन्हां दोवां दी नेड़ता इन्नी हुई कि यह न्यूयॉर्क टाइम्स इस नूं लिखदा है कि यह असल विच इस दे कारण जिहड़े जदों नरेंद्र मोदी उत्थे गए सन तां इक बीच दे उपर सैर की दोवां ने नंगे पैर रेता दे उपर नरेंद्र मोदी ने ते इजराइल दे प्रधानमंत्री ने जी ओ कहिंदे सैर इन्ने निघे वातावरण दे विच एवें नहीं होई उस दे पिछे 2 बिलियन दा सौदा छुपिया होया सी ते इक अजिहा सॉफ्टवेयर जिस नाल नरेंद्र मोदी की भाजपा सरकार दूसरिआं ते पूरी नकेल कस के रख सकदी सी अते उन्हां ते रखी भी गई जी। हुण किहड़े किहड़े मुल्क इस विच शामिल होए किहड़ी किहड़ी जसूसी होई है किन्नी कोई होई है जां कोई देश द्रोही लोग सन दा राष्ट्र विरोधी कुछ कार्रवाइयां विच शामिल सन जां सिर्फ भाजपा ने अपना एजेंडा ही गांह तोरिया ये आने वाला समा दसेगा पर इहदे नाल होया की है इजराइल ने की खटिया जी। जिवें मैं पहलां दस्या एक ते अरबां डालर जिहड़े ने उहनां दे खातिआं विच आ गए ते इस तों वधिया की है कि एक सॉफ्टवेयर तुसीं एक वारी रेडी कर लिया ते तुसीं बाद विच उही सॉफ्टवेयर जिहड़ा है उसदे बारे कुछ होर करना नहीं तुसीं कुछ भी कोई हार्ड एंड फास्ट कोई चीज़ नहीं बेची ना वो खराब होना है ना उसकी कोई होर कोई प्रॉब्लम होनी है सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया दुनिया भर के जसूसी करन दा तुसीं उसनूं वेचना शुरू किया होया ते वेच के पैसे वट के जेब विच पा रहे हो ते दूसरा फलस्तीन ने UNO दे विच एक कमिशन की मैंबरी वास्ते जिहड़ा सी वो एक अर्जी दित्ती हुई सी जी UNO दे विच परमानेंट सीट होवे जां कोई होर मुद्दे होण उत्थे वोटिंग हुंदी है किसी देश नूं शांतमई लानना होवे
ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨਣਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਕਿੰਨੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜੀ। ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਰੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਸਰ ਅਰਾਫਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਗਲਵਕੜੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਉਦੋਂ ਆਮ ਵੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜੀ। ਯਾਸਰ ਅਰਾਫਾਤ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਣਕ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਯਾਰੀ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਟੁੱਟੀ ਹੈ ਯਾਰੀ ਆ ਕੇ ਪੈਗਾਸਸ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ UNO ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਈ ਤੇ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਿਆ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਆਖਣ ਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਾਉਣੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਾਸਾ ਪਲਟਿਆ, ਫਲਸਤੀਨ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਲੜਾ ਸੀ ਫਲਸਤੀਨ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ, ਪਰ ਜਸੂਸੀ ਦੇ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਬੋਲ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਬੋਲ ਪਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੋਲੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜਸੂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਬੋਲੇਗੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲੇਗੀ, ਪਰ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਮਰਿਤ ਜੀ, ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਤੇ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਰਤ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਪੋਰਟ ਲਈ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਜਸੂਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਉਸਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਪਾਈਵੇਅਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਸੂਸੀ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ ਤੇ ਇਹ ਜਸੂਸੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਸੂਸੀ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਗਾਸਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਰ ਫਰਮ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਲਈ ਹੋ ਹੱਲਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ, ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੰਬਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਮਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ BJP ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਵਰਕਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬ 'ਤੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਿਲਾ ਵਰਕਰ ਨੇ ਆਰੋਪ ਲਾਏ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰਿਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੱਟ ਰਿਹਾ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਜੀ ਜੀ। ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੈਸੇ ਤੇ ਜੀ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਕੀਲ ਵੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ ਕੁਛ ਤੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਲੋਕ ਨੇ। ਕੀ ਦੂਸਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕੇਲ ਪਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਟੈਪਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਉੱਠ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਫੋਨ ਟੈਪਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਦੇ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਓਵਰਆਲ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।